हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का एपिसोड सिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। एपिसोड फिफ्थ तक वीडियोस अपलोड की जा चुकी है और उनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जा चुकी है। जिन एपिसोड्स की पीडीएफ नहीं आई है वो उनकी पीडीएफ हम प्रोवाइड जल्द ही कर देंगे। तो अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखे हो तो आप वो देख लीजिए। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, हमारे सभी एनसीईआरटी कोर्सेज के लिए, सभी एनसीईआरटी सब्जेक्ट्स के लिए टेस्ट सीरीज फॉर्मेट में कोर्सेज आते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। हरप्पन सिविलाइजेशन, तीन फेजेस की बात होती है जब भी हरप्पन सिविलाइजेशन की बात होती है। अर्ली फेज, मैच्योर फेज, लेट हरप्पन फेज। अर्ली हरप्पन फेज होता है 3200 से 2600 BC, मैच्योर हरप्पन फेज 2600 से 1900, लेट हरप्पन 1900 से 1300। अब ये ऐसा नहीं है कि पत्थर की लकीर है, एक बार लिख दिया तो वेरिएशंस टाइम में आ सकते हैं डिफरेंस फेजेस में। ये एक जनरल एस्टिमेट, जनरल टाइम रेंज है ये, ठीक है। तो लेकिन आपको फेजेस याद रखने हैं। अब फर्क मैं आपको अगर बताऊं तो अर्ली जो हरप्पन फेज था उसमें इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी, क्राफ्ट की जो स्पेशलाइजेशन थी, एक्सपर्टाइज थी, वो इतनी डेवलप नहीं हुई थी। सिटीज इतने लार्ज स्केल पर नहीं थी। लेकिन मैच्योर हरप्पन फेज तक आते आते, मैच्योर हरप्पन फेस के अंडर, उस दौरान बहुत सारी सिटीज़ क्राफ्ट अपनी चरम सीमा पे थे। और लेट हरप्पन फेस में देखा गया कि डिक्लाइन होना शुरू कर दिया। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बात तो हरप्पन सिविलाइजेशन हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को, जबकि हम सब लोग जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोहनजोदड़ो भी था, हरप्पन भी थे और कई सारी साइट्स ऐसी थी जो वाकई में उतनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को हरप्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? हरप्पन सिविलाइजेशन पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी साउथ एशिया में। उस टाइम इजिप्ट में और मेसोपोटामिया में थी, साउथ एशिया में कौन थी? हरप्पन। इस वजह से पहली साइट डिस्कवर हरप्पा हुई थी, इसलिए इस पूरी सिविलाइजेशन का नाम हरप्पा बोला है। जबकि हरप्पा इस सिविलाइजेशन में एक साइट थी, छोटी सी, सिग्निफिकेंट थी, लेकिन पहली आर्कियोलॉजिकल साइट थी जिसका डिस्कवरी हुई थी। तो जब भी हरप्पन की बात की जाए, अच्छा एक बात और, हरप्पन जब भी हम बोले कि हरप्पन कल्चर, आर्किटेक्चर या एडमिनिस्ट्रेशन, हरप्पन जो भी हम बोले, जिस भी बात करें, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम सारी सिटीज़ को सेम लेकर चल रहे हैं कि वही जो, अगर हम बोल रहे हैं कि हरप्पा में ऐसा हुआ था तो मोहनजोदड़ो में भी ऐसा होगा, धोलावीरा में भी ऐसा होगा, लोथल में भी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हरप्पा में जो, अगर हम बोले कि हरप्पा में ये था, ये चीज़ें थीं, तो उसका मतलब कि कुछ चीज़ें हरप्पा में भी थी, मोहनजोदड़ो में भी थी और लोथल भी थी, उनकी बात कर रहे हैं हम। जनरल जो चीज़ें थी, फॉर एग्जांपल ब्रिक्स की जो साइज़ थी, टेराकोटा फिगर्स जो थे, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो सारी साइट्स में सेम थी। तो जब भी हम कहते हैं कि हरप्पन सिविलाइजेशन में ये चीज़ें थी, सिविलाइजेशन में चीज़ें थी, इसका मतलब जो जितनी भी साइट्स हैं उनमें ये चीज़ें आइडेंटिकल थी। कुछ चीज़ें जो हरप्पा में मिली है बाकी किसी में नहीं मिली, तो उसके लिए हरप्पा की अलग से बात करते हैं। लेकिन जब हरप्पन सिविलाइजेशन की बात करें, इसका मतलब हम सारी साइट्स की बात कर रहे हैं और उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जो सब में आइडेंटिकल थी। प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है हरप्पन सिविलाइजेशन और ब्रोंज एज से जो है बिलोंग करता है। प्रोटो हिस्ट्री मैंने आपको बता चुका हूँ, एक होती है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मतलब जहाँ पे राइटिंग का कोई एविडेंस हमको नहीं है, राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ, लिखना लोगों को नहीं आया। प्रोटो हिस्ट्री मतलब लिखना तो अभी भी नहीं आया, इन्वेंशन नहीं हुआ उस जगह पे, लेकिन उसके रिकॉर्ड उस जगह के कई और हमको मिले। जैसे हरप्पन जो हमारा है, अगर हम उसकी बात करें तो वो प्रोटो हिस्ट्री से बिलोंग करता है। प्रोटो हिस्ट्री मतलब हरप्पन के हमको रिटर्न रिकॉर्ड नहीं मिले, लेकिन मेसोपोटामिया मतलब राइटिंग का इन्वेंशन हरप्पा में नहीं हुआ, राइटिंग के रिकॉर्ड हमको लेकिन इजिप्ट और मेसोपोटामिया मिले। ऐसी वैदिक एज भी हमारी प्रोटो हिस्ट्री आई, क्योंकि उस टाइम जो है राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था। जितने भी आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद जो थे, इन सबके जो श्लोक थे, जो हाइम्स थी इनमें, ये सब मुँह से ओरली बोले जाते थे। 10,000 जो इतने सारे हाइम्स निकल के आई थी, लिखने का राइटिंग इन्वेंशन बाद में हुआ था, समझ रहे ना आप, और उसको हिस्ट्री बोलते हैं। प्रोटो हिस्ट्री मतलब इन्वेंशन राइटिंग का नहीं हुआ लेकिन उसकी बातें किसी और सिविलाइजेशन में है, जैसे हरप्पन, वैदिक पीरियड में ये जो यहाँ पे अभी लिखना लोगों को नहीं आया, लेकिन इसकी बातें, इनका एविडेंस किसी और सिविलाइजेशन में हमको मिला है। आई होप समझ में आया होगा। तो कई जगह चालकोलिथिक एज हरप्पा से पहले आ गई थी, कई जगह बाद में आ गई थी, तो ऐसे कोई फिक्स नहीं है।
ये आप मैप देख सकते हैं, सिंपल सा साधारण सा मैप है। इसमें ये देखिए कि हरप्पा मोहनजोदड़ो को लोकेट कीजिए, चान्हुदारो को लोकेट कीजिए। हरप्पा कौन सी रिवर पे है? रवि पे। मोहनजोदड़ो इंदस पे, चान्हुदारो इंदस पे। इंदस पे आप देख सकते हैं इतनी सिटीज़, ठीक है। तो ये चीज़ें आप मैप में आराम से शांति से बैठ के जब पीडीएफ मिल जाएंगी इनको नोट कीजिएगा। ये थोड़ा बड़ा मैप है, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जाना है तो इसमें आप नज़र डाल सकते हैं। इम्पोर्टेंट मैप की जो बात मैं लाया हूँ आपके लिए वो ये है कि नॉर्दर्न मोस्ट साइड थी मांडा जम्मू कश्मीर में, हरप्पन सिविलाइजेशन की, इंदस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है। हरप्पन सिविलाइजेशन की नॉर्दर्न मोस्ट साइड थी मांडा जम्मू में, आलमगीरपुर यूपी में, गुजरात में मालवा और सुतकरजंड और बलूचिस्तान में। एक बार मैप पे आप देख सकते हैं, ये आलमगीरपुर या सुतकरजंड, ठीक है। ऐसे ही नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरप्पन सिविलाइजेशन तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट। टाउन प्लानिंग की हम बात करते हैं, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न था, सिटीज़ कॉलोनीज़ में बटी हुई थी, राइट एंगल पे एक दूसरे को काटती थी। तीन तरह की बिल्डिंग होती थी, ड्वेलिंग हाउसेस, पब्लिक बिल्डिंग, पब्लिक बाथ। बंट मड ब्रिक होती थी। मैंने क्या बताया आपको, जब अपने यहाँ पे ये पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज था, न्यूलिथिक एज थी, इनमें सर्कुलर हाउसेस होते थे, झोपड़ियाँ होती थी घास फूस की बनी हुई। लेकिन चालकोलिथिक एज के आते आते यहाँ पे मड ब्रिक्स बननी शुरू हो गई, मड, ठीक है। मड जो होता था क्ले, उसकी जो है घर यहाँ पे बनने शुरू हो गए मड ब्रिक्स के। मजबूत थे पहले से लेकिन इतने नहीं थे, हरप्पा वालों ने दिमाग लगाया, उसको जला दिया, बंट मड ब्रिक बनाने लग गए, पक्की ईंटें जो होती हैं। और आइडेंटिकल रेशियो था इन सारी ईंटों का, मैं अभी फ़ोटो बताऊंगा आपको। ये देखिए, ये जो ब्रिक्स आपको दिख रही हैं बिल्कुल सेम साइज की थी, 1:4 का जो रेशियो है, वाइड विथ लेंथ, थिकनेस विथ लेंथ का याद रखिएगा, सारे हरप्पन स्ट्रक्चर्स में सेम है, ठीक है। अच्छा, सिटीज जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड होती थी, सीटाडेल और लोअर पार्ट ऑफ सिटी। मैं ऐसी भी सिटी बताऊंगा जहां पे सीटाडेल नहीं था। जनरली मैं आपको एक टाउन प्लानिंग बता रहा हूं, यहां पे अमीर लोग रहते थे और यहां पे गरीब लोग रहते थे जो इम्पोर्टेंट होते थे उस टाइम के। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स थी अप्रेस सीटाडेल में, मैं सीटाडेल बताता हूँ आपको। ये वेस्टर्न पार्ट में, एक तो याद रखिएगा सीटाडेल वेस्टर्न पार्ट में होता था और लोअर सिटी ईस्टर्न पार्ट में होती थी। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, ग्रेनरी जहाँ स्टोर कर सके सामान, क्रॉप्स वगैरह ताकि कीड़े मकोड़ों से बच जाए, फ्लड से बच जाए, कई चीज़ें, कोर्ट यार्ड वहाँ पे थे। लोअर पार्ट में तो आप अनुमान लगा सकते हैं वर्किंग क्लास लोगों के लिए था, कुछ घरों में सीढ़ियाँ थी, कुछ दो मंजिला थे, प्राइवेट वेल्स थे, बाथरूम भी थे। एक चीज़ याद रखना कि खिड़कियाँ जो थी, एक तो प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखते थे वो, खिड़कियाँ जो थी वो स्ट्रीट्स को फेस नहीं करती थी, मतलब आप अगर उनके घर की तरफ से जाओगे तो आपको खिड़कियाँ नहीं दिखेंगी, खिड़कियाँ पूरी तरीके से बंद थी, विंडोज स्ट्रीट्स को फेस नहीं करती थी। घर के अंदर जो विंडो होती थी स्ट्रीट्स को फेस नहीं करती थी, वो अंदर जो वॉल्स होती थी उन पे थी। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। बाहर आउटर वॉल पे नहीं थी, इनर वॉल पे खिड़कियाँ थी। ये आप स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, ये ड्रेनेज सिस्टम था उस तरह का, आउटस्टैंडिंग म्युनिसिपलिटी आप कह सकते हैं, उस टाइम म्युनिसिपलिटी तक होती थी, क्योंकि ये जो नालियाँ लूजली कवर्ड थी, यानी इनकी डेली साफ सफाई होती थी और साफ सफाई करने वाला बंदा होता ही था, ऐसा नहीं है कोई भी आके कर जाता था। ये आपका ग्रेट बात मोहनजोदड़ो वाला डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये ड्रेनेज सिस्टम, ये ड्रेनेज सिस्टम आप देख सकते हैं, घर वगैरह देख सकते हैं। ये डबल स्टोरीड घर होते थे, देखो प्राइवेट बाथरूम, ये वेल देख लो आप, प्राइवेट वेल देख लिया, तो ये डबल स्टोरीड भी होते थे, देखो कैसे आराम से सो रहा, ठीक है। तो ऐसे जो है ये पूरी यहाँ पे ऐसी सिविलाइजेशन होती थी। तो आप एक तरीके से ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है कुछ घर छोटे छोटे हैं, कुछ घर बड़े बड़े हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स ये था, ठीक है, इस जगह। आज इतना पढ़िए अभी लास्ट कि टेम्पल्स और पैलेसेज नहीं थे रूलर्स के लिए, इजिप्ट और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी उनमें बहुत बड़े बड़े पैलेसेज थे, महल थे, इसमें नहीं थे हरप्पा में। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स थी, महल नहीं थे। पब्लिक बात होती थी, ग्रेट बात मैंने मोहनजोदड़ो की बताई आपको, कमरे थे अगल बगल में तैयार होने के लिए, लीक और क्रैक नहीं थे,
इतना मजबूती से, इतना शानदार इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज उसको बनाया गया। ग्रैनरी मैंने कहा कि सुटेबल स्ट्रेटेजिक एयर डक्ट और रेज्ड प्लेटफॉर्म पे होती थी ताकि कीड़े मकोड़े, फ्लड और कई चीज़ों से बचाया जा सके। एडवांस ड्रेनेज सिस्टम होता था, रेगुलर मेंटेनेंस, क्लीनिंग, गटर के खड्डे, सेस्पिट रेगुलर इंटरवल पे होते थे। तो प्राइवेसी, हेल्थ, इन सब का इतना ख्याल रखते थे, इतनी इंपॉर्टेंस थी कि आप देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, कल और भी मज़ेदार चीज़ों के लिए आपके सामने मैं हरप्पन सिविलाइजेशन को लाऊंगा। धन्यवाद।